वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात में क्योंकि हम पहुंच चुके हैं उज्जैन और कल हम करने वाले महाकालेश्वर के दर्शन और साथ में हम आपको कराने वाले उज्जैन में टूर देंगे और अब चलते हैं रेस्ट करते हैं और मिलते हैं कल आपसे सुबह। टिल देन बाय गाइस। ये है हमारा रूम, काफ़ी सिंपल सा रूम है। यहाँ पर टीवी है, टेबल है, बेड है और ये हमारे सामने वॉशरूम है जो कि काफ़ी क्लीन है और यहाँ पर सेंसर लाइट्स भी है लगी हुई है वॉशरूम के अंदर। और ये आप देख सकते हो सामने हमारी विंडो है, विंडो से देखते हैं क्या व्यू आता है हमारे विंडो से। ये है हमारी विंडो, विंडो से व्यू ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे पीछे आपको धर्मशाला दिख रही है। गाइस फटाफट से रेडी होते हो और फिर चलते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। A few moments later. चलते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। यहाँ से अराउंड वॉकिंग डिस्टेंस ही है 100 मीटर से। पीछे हमारा होटल था, ये था हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया था। महाकालेश्वर मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये पहला ऐसा शिवलिंग है जो कि साउथ फेसिंग मंदिर है। साथ में आपको अगर आपको जनरल दर्शन करने हैं आप जनरल दर्शन भी कर सकते हो, जिनको वीआईपी दर्शन करना है वो वीआईपी दर्शन भी कर। ये है बड़ा गणेश का मंदिर, इसके जस्ट बाजू में काउंटर है जिसके अंदर आप टिकट ले सकते हो। 250 रुपये में आपको बहुत जल्दी दर्शन होंगे और 1500 रुपये में आपको 2% की टिकट्स मिलेंगे जिसके अंदर आप नवग्रह में जाकर शिवलिंग पे जलाभिषेक कर सकते हो। कालेश्वर की भस्म आरती सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होती है। जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ऑफलाइन भी आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वरना आप मंदिर की वेबसाइट है वहां पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मंदिर की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। महाकाल परिषद में बहुत सारे मंदिर है जिसमें ओमकारेश्वर, रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर, विठल पंडरीनाथ मंदिर, दास हनुमान मंदिर, साथ में और भी बहुत सारे मंदिर है। महाकाल के आप दर्शन करने आते हो आपको राइट साइड में ही आपको श्री बड़ा गणेश मंदिर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप आराम से दर्शन कर सकते हो, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। गाइस जब से महाकाल लोग कॉरिडोर बनाए तब से महाकाल के दर्शन और भी आसान हो गए हैं। जय श्री महाकाल। काफ़ी आराम से हमें यहाँ पर दर्शन हो गए और सुबह का टाइम था, बहुत जल्दी हमें दर्शन हो गए। 10-15 मिनट में हमें आराम से यहाँ पर दर्शन हो गए। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सिप्रा नदी के किनारे ही रामघाट पर। यहीं पर महाकुंभ मेला लगता है जो कि 12 साल बाद अभी यहां पर लगेगा उज्जैन में, और 4 जगह महाकुंभ मेला लगता है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। गाइस महाकाल मंदिर के बाहर से ही आपको बैटरी वाले रिक्शे मिल जाएंगे जो कि आपको 500 रुपये में पूरा उज्जैन घुमा देंगे। साथ में आपको गाइड भी मिलेगा जो कि आपको गाइड करता रहेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़ कालिका माता मंदिर, अंदर चलते हैं और करते हैं माता जी के दर्शन। गाइस अभी हमें आ चुके हैं गढ़ कालिका मंदिर के लिए। यहाँ पे हमारे गाइड है जो अभी अभी मंदिर के बारे में बताएंगे। ये 3-3.5 कालों में से दूसरा काल है जो माँ शक्ति का रूप में यहाँ पर विराजमान है, जो 12वें स्वरूप में है। यहाँ पर मूर्ख कालिदास को ज्ञानवान करने वाली यही माँ काली शक्ति है। यहाँ पर 3 देवी का वास, सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली। 3 देवी, सरस्वती ज्ञान की देवी, धन की देवी, लक्ष्मी और सर्वोत्पन्न माँ काली शक्ति है। यहाँ पर गढ़ है, यहाँ पर मेन्स मक्ष धाम अवंती का नगर में विराजमान माँ काली का यहाँ स्थान। यहाँ पर नवरात्रि में ये दीपों की माला जलती है। यहाँ पर नवरात्रि में यहाँ हर रोज जलते हैं, नवरात्रि के हर रोज जलते हैं, हर रोज जलाते हैं। यहाँ पर जलाते हैं सब लोग, सब दान दाता आते हैं यहाँ पर, अपना जो भी तेल के डिब्बे ले जाते हैं और यहाँ पर दीप माला करवाते हैं। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। आइए चलो सब। भाई सभी हमने काल भैरव के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए और काल भैरव के बारे में हम जानना चाहेंगे भैया से। भैया ये बताइए, यह काल भैरव है यहाँ पर अवंती का खंड से छिपका तट पर काल भैरव का स्थान है। काल भैरव का मजरापन कराया जाता है
साल भर यहाँ पे महाकाल द्वार पर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। काल भैरव को मंदिरापान क्यों कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है कि काल भैरव को ब्रह्म हत्या जी का विश्वास है। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का छठा सिर इन्होंने अपनी छुट्टी हुई थी नाखून चढ़ाया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने जो दिया काली काल में आप महाकाल के द्वार पर चलेंगे, जो भी भगत आपको मंदिरापान कराएगा उसके घर के काल कलश चलेंगे। जैसे जैसे आप भूत उतारोगे वैसे वैसे महाकाल के दर्शन होते, और भगत जो भी आते हैं पहले काल भैरव के दर्शन करना चाहिए, पहले महाकाल के दर्शन नहीं होते, पहले काल भैरव के दर्शन होते, क्योंकि उनके गृह द्वारपाल हैं। बाबा काल भैरव पे द्वारपाल से इजाजत लेना पड़ती है, इसलिए पहले भैरव बाबा का दर्शन करना चाहिए, इसके बाद में महाकाल के दर्शन। महाकाल पति महाकाल बाबा सर्वलोक की है, सर्व अनादिकाल है, वो उनके उनके मजिस्ट्रेट हैं। मजिस्ट्रेट के सामने कैसे जाएंगे अपन? पहले अपन वकील से इजाजत लेना पड़ेगी कि नहीं? इसलिए ये आज के युग के हिसाब से आज के वकील हैं, वकील से इजाजत लेना पड़ती है जैसे मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। इसलिए काल भैरव द्वारपाल है, द्वारपाल से इजाजत लेने पे काल भैरव को महाकाल के द्वार खुलते हैं, इसलिए पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, महाकाल के दर्शन नहीं। काल भैरव का दर्शन करने के बाद में ही महाकाल के दर्शन होंगे, बोल काल भैरव सरकार। थैंक यू सो मच भैया, चलते हैं आगे और आगे के दर्शन आपको दिखाते हैं। जय महाराज जी। एक मुखी है दत्तात्रेय विष्णु, ये काल भैरव के गुरु अनुसुईया की माला है। यहाँ पर 206 दीपमाला रोज हर सुबह हर शाम को जलती है, यहाँ पर हर मनोइच्छा पूर्ण करती है, सिद्धि प्रस्तुत है, यही काल भैरव की शक्ति है। कुछ नहीं, अभी हम पहुंच चुके हैं मंगलनाथ मंदिर, जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि मंगल दोष का निवारण करता है। जिनकी राशि में मंगल दोष है तो यहां पर आकर के मंगल दोष की पूजा भी करा सकते हैं। माँ मंगल में वर्षिक राशि के स्वामी है ना, मंगल का वाहन है मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है। ओके, और पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे भीड़ शिव जी के मंदिर के सामने है, नंदी नहीं है। मंगल भगवान शिव जी के पृथ्वी माता के पुत्र हैं। मंगल भगवान रक्त के कारक तत्व हैं। यहाँ पर मंगल का पूजन किया जाता है, विशेष में भार पूजन होता है। किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष होता है, मंगल शादी में से या ऋण से, भूमि से, भवन से, किसी भी कार्य में विघ्न आता है, किस कार्य के लिए विशेष में पूजन किया जाता है, यहाँ पर भात पूजन होता है दही चावल का, इसके लिए गणपति पूजन किया जाता है, पूरा संकल्प किया जाता है, उसके बाद मंगल भगवान का अंदर बिठा कर पूजन किया जाता है, मंगल भगवान का भात पूजन। धन्यवाद पंडित जी। भगवान की जय। अभी हम आए थे मंगलनाथ ग्रह मंदिर, और मंगलनाथ जस्ट मंदिर के जस्ट पीछे आप देख सकते हो मेरे, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, जो कि कितने साल बाद लगता है? 12 साल बाद लगता है। आपको कौन साल में आएगा? अब आप 28 में आएगा, 2028 में आएगा। पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो शिप्रा नदी के किनारे पूरा यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, यहीं का मेन स्नान है, यही से नदी में आप आकर के कुंभ मेले में यहाँ पे स्नान कर सकते हो। अच्छा, धरती माता है, भगवान मंगल की माता है, पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट है, वर्ल्ड का, पृथ्वी का। उनका एक चक्कर लगाने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा होती है, पृथ्वी को स्थापित तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। धरती के जो तीर्थ है ना सभी, उन सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है उनका एक चक्कर लगाने से, है ना। ये अति प्राचीन स्थल है ना। ओके, ग्यारह साल 7 दिन की अवस्था मर यहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर 64 दिन रुके, 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान, 14 विद्याएं प्लस गुरु माता को पुत्र जी की क्या, और श्री हरि हरन मिलन, यहाँ विश्व का एक ही मंदिर जो खड़े नंदी हो गए थे। क्यों? भगवान श्री कृष्ण जब आए थे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ भी यहाँ पर मिलने आए थे, हैं तो इसलिए भगवान को देखने के आत्र में नंदी भी खड़े हो गए। तो यह अतिथि प्राचीन खड़ी नंदी की प्रतिमा है,
जो देखने के लिए दुर्लभ है। आइए श्री कृष्ण की पाठशाला का ये देखते हैं। आइए 5267 वर्ष पहले भगवान द्वापर में है ना बाल रूप में 11 साल 7 दिन की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में मामा कंस का वध किया था है ना। 11 साल 3 दिन की उम्र में उनके जो कुल गुरु थे वो गर्गाचार्य जी थे, उन्होंने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार किया। और 11 साल 7 दिन की उम्र में भगवान यहाँ उनकी आज्ञा पाकर गुरु सांदीपनि जी से विद्या ग्रहण करने आ गए। यहाँ भगवान 64 दिन रुके, 4 दिन में 4 वेद, 18 दिन में 18 पुराण, 6 दिन में 6 शास्त्र, 20 दिन में गीता का ज्ञान और 16 दिन में 16 कलाएं गुरु सांदीपनि द्वारा प्राप्त करी है ना। और गुरु जी जो थे वो काशी के परम विद्वान थे है ना। उनके 7 पुत्रों को शंकासुर ने हरण करके मार दिया था, तो उनके गम में वियोग में काशी छोड़ के अवंतिका नगरी का चंदन वन कहलाता है। तो अभी आप पीछे जाएंगे तो वहाँ 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग है। कहते जब गुरु जी यहाँ आए थे तो सूखा और अकाल पड़ा हुआ था और सिंहस्थ महाकुंभ लगने वाला था है ना। तो यहाँ के यात्रियों ने उनसे निवेदन, यहाँ के जो लोग थे लोकल, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि गुरु जी सब भूख प्यासे पशु पक्षी मर रहे हैं और सिंहस्थ महाकुंभ लगने वाला है, तो यात्रीगण है ना अमृत स्वरूप जल का स्नान कैसे करेंगे। तो उन्होंने गुरु जी ने वहाँ बेलपत्र रख के शिव जी की घोर तपस्या करी, फलस्वरूप वहाँ स्वयं शंभु महाकाल प्रकट हुए। तब से ही उज्जैन का नाम उस वक्त क्या था द्वापर में, अवंतिकापुरी है ना। तो अवंतिकापुरी को ये आशीर्वाद दिया महाकाल ने कि जब तक मेरा मंदिर यहाँ है तब तक ना तो कोई भूखा मरेगा ना कोई प्यासा मरेगा। तो शिप्रा मैया को आप देखेंगे तो पूरी है ना उज्जैन को कवर करती है, नवग्रह नव शनि मंदिर से 20 सिटी रामघाट मंगलनाथ सिद्धनाथ काल भैरव इधर सभी दूर शिप्रा माँ प्रभावान है। और जहाँ पर शिप्रा मैया नहीं पहुँचती हूँ आपको बड़े बड़े कुएं और बावड़ी मिल जाएंगे जिनमें साल भर पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। फिर आपने देखा कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है आजू बाजू दूर दूर तक, लेकिन यहाँ पे जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं तो हजारों लाखों करोड़ों परिवार का पेट है ना किसी न किसी माध्यम से पल ही रहा है। और कोई हाथ पैर से कमाने में असक्षम है तो भगवान दो चार श्रद्धालुओं को ये भाव दे देता है कि कुछ गरीबों को अन्न और धन दिया जाए। तो जो कर रहा है उसको भी मिल रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको भी मिल रहा है और शायद उसकी समर्थता से ज़्यादा ही मिल रहा है। जब जग कल्याण के लिए गुरु ने इतना करा तो पहले क्या होता था कि जो गुरु सांदीपनि जी थे वो फेमस इसीलिए थे कि वो किसी से गुरु रखना नहीं रहते थे, अपनी विद्या का कभी भी रिटर्न वो नहीं करते थे। तो जब महाकाल ने कहा ये तो जग कल्याण के लिए हो गया, गुरु आप भी कुछ मांगो, उन्होंने कहा प्रभु आपकी कृपा से जो भिक्षा में मिल जाता है उससे मेरा जीवन यापन हो रहा है और आपकी साधना करके मैं वैसे ही धन्य हो गया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी महादेव को मालूम था कि ये अपने पुत्रों के गम में वियोग में काशी छोड़ के मेरी नगरी में आए हैं है ना। तो उन्होंने कहा कि आप एक मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप विद्यालय का निर्माण करें तो दो बालक आपका मरा हुआ पुत्र जीवित करके देंगे। जब भगवान ने अध्ययन पूर्ण कर लिया तो उन्होंने गुरु ने तो मना कर दिया था, गुरु माता ने भी मना कर दिया था, पर भगवान ने जब आपने देखा ना सामने मंदिर के अंदर भगवान के सारे अवतारों के दर्शन है, वामन देव नारायण बालाजी, उन्होंने सभी रूप में माता को दर्शन दिया तो माता समझ गई कि ये तो जगत के जन्मदाता पालनकर्ता और संगारक स्वयं नारायण है ना ये साधारण बालक के रूप में। तो उन्होंने कहा आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे 7 पुत्रों को शंकासुर ने मार दिया है ना, आपसे निवेदन है कि हो सके तो उन्हें जीवित करके दे दीजिए। उन्होंने कहा माता अगर कोई मर जाता है उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, उसे जीवित नहीं किया जाता है ना, फिर भी मुझे गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य है तो मैं आपके एक पुत्र को जरूर जीवित करूंगा। पहले उन्होंने शंकासुर का वध किया, वो पंच जन शंख में रहता था जिसे उन्होंने धारण करा महाभारत में बजाया है ना। कृष्ण कने जो शंख है वो पंच जन है और जो अर्जुन कने देवदत्त है ना, भगवान कृष्ण ने वो शंख भी यहीं से प्राप्त करा और जो उनकी आखिरी संतान थी यम से उसका पार्थिव शरीर लाए और गुरु द्वारा सीखी गई संजीवनी विद्या से जीवित करके माता को दिया। अब माता ने ही उनको कहा कि आज से कृष्ण तुम्हें जगत श्री कृष्ण के नाम से संबोधित करेगा। और यहीं परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया। आप पीछे जाएंगे गोमती कुंड है ना, कहते गुरु जी प्रतिदिन अपने तपोबल से गुजरात गोमती नदी नहाने जाते थे। जब भगवान को पता पड़ा मेरे गुरु को इतनी दूर कष्ट उठा के जाना पड़ता है, उन्होंने बाण मार के गोमती का उद्गमन कर दिया। वो कहते जो जगत की परीक्षा लेता है उसे स्वयं यहाँ परीक्षा देना पड़ी। गुरु ने बड़ी गर्जना में पूछा कि तू अदना सा बालक, क्योंकि भगवान का साधारण मनुष्य रूप में बाल रूप था है ना। तो गुरु ने बड़ी गर्जना से कहा कि तू साधारण सा बालक इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकता है। तो भगवान ने साफ विनम्र कहा कि गुरु जी अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप कल गोमती नदी जाएं तो वहाँ अपनी चरण पादुका कुंडल छोड़ आइएगा, अगर दूसरे दिन इस कुंड पे मिले तो मान लीजिएगा कि गोमती का ही जले। दूसरे दिन जब गुरु जी यहाँ गए तो उनकी चरण पादुका कुंडल इसी कुंड पे पाए गए, तब से ये गोमती कुंड के नाम से जाना।
माना जाता है ना, इसमें गुरु जी स्नान करके उसका जल अभिषेक सर्वेश्वर महादेव पे करते थे और भगवान कृष्ण अपनी अंग पट्टी का स्लेट इसमें धोते थे। तो कहते हैं भगवान ने वो लिख दिया है मिटता नहीं है, तो वो अंग किस पूरे क्षेत्र में विद्यमान हुए है ना। और जैसे आप और हम घूम रहे हैं इसको क्या बोलते हैं आश्रम, आके श्रम करना पड़ता था तो विद्या मिलती थी। तो भगवान को लकड़ी लाना, भिक्षा मांगने जाना, गुरु के चरण दबाना है ना। आपने कहावत सुनी होगी ना कि आपके पास कोई भी जरूरतमंद कुछ मांगने के लिए आ जाए तो उसे कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए, कहते कब नर के रूप में नारायण आ जाए। वैसे जब भगवान बाल रूप में भिक्षा मांगने जाते होंगे तो उनका चेहरे का सौंदर्य कैसा होगा, तो लोग बाग भगाते होंगे कि नहीं, तेरा बाप बोले राजा रजवाड़ा है और कंजूस होगा तो तुझे और धन एकत्रित करने के लिए भिक्षा मांगने पहुँचा दिया। तो भगवान ने क्या है सभी सेवाएँ यहाँ करी, तो आज भी इस पूरे क्षेत्र का नाम है अंकपात, जब भगवान के शब्द पढ़े, जब भगवान के चरण पढ़े। और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर वो स्थान है नारायणा धाम के नाम से, जहाँ सुदामा ने चने खाए थे। सुदामा को लोग बाग चोर बोलते हैं गलत है ना, सुदामा परम विद्वान ब्राह्मण थे और उनको मालूम था कि जो मेरा मित्र है वो स्वयं नारायण है। और जो माता ने जैसी चने दिए थे वो समझ गए थे कि चोरों द्वारा वो बदल दिए गए हैं, तो वो दरिद्री चने, अब उसे जो भी खाएगा वो खुद गरीब हो जाएगा है ना। तो भगवान तो स्वयं नारायण का अवतार थे, तो उन्होंने कहा ये अगर दरिद्र हो गए तो पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा। तो उन्होंने पूरे संसार के लिए और भगवान के लिए इतना बड़ा त्याग करा था कि वो 40 चने थे, जिसके कारण उन्हें 40 वर्ष तक अत्यंत गरीबी का है ना दुख झेलना पड़ा। पर आपने देखा उसका भगवान ने परिणाम भी उनको कैसा दिया है ना, कि जब भगवान से वो मिलने के लिए पहुंचे तो आपने भजन सुना होगा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तो बोले सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, कहते नारायण जिसके लिए दौड़ा चला है वो कितना बड़ा भाग्यशाली है ना। और उनको कलेजे से लगाया और साथ अपने बराबरी से बिठाया जैसे आज भी बैठे हुए है ना। और चरण भगवान ने अश्रुओं से धुलाए थे, और उनकी पत्नी ने जो चावल दिए थे भगवान के लिए वो भगवान ने एक निवाला रखा तो उनको एक लोक का स्वामी, दूसरा रखा तो दो लोक का स्वामी, और तीसरे में माता ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु अपन कहाँ जाएंगे है ना, नहीं तो आज तीनों लोगों के स्वामी कौन होते, सुदामा। और अपनी जो सबसे बड़ी भगवत गीता है उसका ज्ञान भी ये बेटा कि अपन सबको दया करना छोड़ते जा रहे, कहते कर भला तो हो भला, अगर आप संसार पे जीव जंतु पशु पक्षी सभी पे दया करेंगे तो सदैव नारायण आप पे भी दया बनाएंगे। राधे राधे। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर ब्लॉग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब और यूट्यूब पर मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय। यहाँ पे पंडित जी थे जिन्होंने हमें पूरे मंदिर के बारे में बताया, और एक सेकंड यहाँ पे